हमारी एक्टिविटी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। सो इस बार हमने नॉमिनेशंस थोड़े पहले लास्ट वीक ही अनाउंस कर दिए थे, तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि हमारे नॉमिनेशंस कौन कौन हैं। हमारे नॉमिनेशंस में इस बार थे मिस्टर बिलाल असगर, उनके लिए बहुत सारी क्लैपिंग। सेकेंड नंबर में हमारे पास जो नॉमिनेशन थे वो थे मिस्टर अकील अफजल, और थर्ड नंबर में हमारे पास नॉमिनेशन थे मिस्टर अली हसन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। सो मैं यहाँ पे हमारे जो थर्ड रनर अप है बेसिकली उनके लिए, उनके अनाउंसमेंट के लिए यहाँ पे बुलाना चाहूंगी सर उमेर तारी को कि वो आए और अनाउंस करें हमारे थर्ड रनर अप जिनका नाम है मिस्टर अकील अफजल। सो आप सबकी तालियों में मिस्टर उमेर तारी एंड मिस्टर अकील अफजल। और सेकंड पे हमारे पास जो रनर अप है उनका नाम है मिस्टर अली हसन, और उनके अनाउंसमेंट के लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी सर तलहा सलीम को कि वो यहाँ पर आए और अनाउंसमेंट करें हमारे सेकंड रनर। अब आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कौन है, तो मिस्टर बिलाल असगर हमारे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, तो आप सबकी भरपूर तालियां। मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी हमारे सीईओ मिस्टर हसन शाह को कि वो आए और इनको सर्टिफिकेट दे। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हर वीक की तरह या हर मंथ की तरह माशाल्लाह हमारी आज की भी बड़ी अच्छी ये कैटेगराइजेशन बड़ी अच्छी थी, तीनों डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस जो है बड़ी अच्छी है। वीक में, इस वेरी वीक में जो हमारा टीजीसी में अल्हम्दुलिल्लाह कैश लगा है वो तकरीबन 1.25 करोड़ प्लस है। तो ऐसे इकोनॉमिक कंडीशंस में भी अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे अवामल, बहुत सारे मामलात होते हैं जो कि ऑब्वियसली कोई एक बंदा या कोई एक शख्स या कोई एक इंडिविजुअल उस तरीके से हल नहीं कर सकता। ये बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की सही मौके के ऊपर सही चीज करना, इसको मैनेज की सिचुएशन को मैनेज करने के लिए एक पीछे बहुत सारे डिपार्टमेंट का एक प्रॉपर जोर लग रहा होता है। इसलिए मेरे नजदीक में हमेशा ये बात कहता हूं कि जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं एग्जैक्टली उनकी भी उसी तरह इंपॉर्टेंस है, उसी तरह एक वैल्यू है जिस तरह हमारे सेल्स की है, क्योंकि दोनों लोग जब तक परफॉर्म करते रहेंगे तब तक चीजें मजेदार चलती रहेंगी। अब ये वेरी नियर, जिस तरह मैंने लास्ट वीक भी बताया था और शायद इससे लास्ट वीक भी बताया था कि बड़ी जल्दी आप लोगों को ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो कुछ अनाउंसमेंट आएंगी। तो अब दिस इज द वीक जिसमें इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स की, जो कि विद इन सिटी भी है और आउट ऑफ द सिटी भी है, लेकिन विद इन सिटी की तो इंशाल्लाह ताला बहुत नियर आपको एक 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 आवाज, एक चीज आ जाएगी। अब ये लेट से एक प्रोजेक्ट है, हम अकाउंट्स की बात कर लेते हैं, अकाउंट्स की बात कर लें, सोशल मीडिया की बात कर लें, कॉल सेंटर की बात कर लें, जिस मर्जी डिपार्टमेंट की बात कर लें, लेट से हम अकाउंट्स की बात करते हैं। अगर हमारा एक पहले ऑलरेडी प्रोजेक्ट मौजूद है और उसके लिए लेट से हमारे पास जस्ट वी हैव ओनली वन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट है वो चीजें कर रहे हैं, किस तरह पॉसिबल है अगर उस डिपार्टमेंट पे वर्किंग नहीं की जाएगी राइट पर्सन की तरफ से? किस तरह पॉसिबल है कि कल को 10 प्रोजेक्ट हो, 20 प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए और वो एक बंदा मैनेज कर रहा हो? इस तरह कभी नहीं होगा। इट मीन्स उस डिपार्टमेंट को स्ट्रांग होना चाहिए। ये हम टाइम से पहले देखेंगे और उस वक्त उसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो वो चीजें चलेंगी। सिमिलरली गोज फॉर सोशल मीडिया। अगर हमें पता है कि सोशल मीडिया के फलां फलां काम हमारे ये एक या दो पर्सन कर रहे हैं, तो भाई जिस जिस तरह आपके प्रोजेक्ट बनते जाएंगे आगे के आगे आपको मजीद लोगों की जरूरत होगी। इस तरह आप हर डिपार्टमेंट की एग्जाम्पल ले लें, और जब हर डिपार्टमेंट आने वाले फ्यूचर को देखते हुए अपनी स्ट्रेंथ और अपने वर्किंग को सेट कर रहा होगा, उसे उसे सही तरीके से वैल्यू में लेके जा रहा होगा, जब ये सब चीजें बन जाएंगी देन दिस इज कॉल्ड सिस्टम, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हुई थी और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। इसमें स्पेशली इस ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे काम जो है वो अहमद ने करने होते हैं, सलमान ने करने होते हैं, मिस निशा ने करने होते हैं, बाकी हमारे जो एडमिन वगैरह है यहां से बहुत ज्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। अब ऐसा ऐसा वो चीजें आगे से आगे इंक्रीज होती जा रही हैं। अब ऑफिस में आप लोगों ने एक चीज देखी होगी हमारी, ये वाली
गट वाला कमर्शियल अप। बिल्कुल इसी तरह आप जो बाकी वॉल्व है इन पे जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट, कुछ वो प्रोजेक्ट हम कर चुके हैं, कुछ वो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, उन लोगों की भी चीजें उन लोगों के इंशाल्लाह ताला यहाँ पे वो लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीजें किस तरह होती जाएंगी, ये सब चीजें उस तरह होंगी जब हम सब लोग मिलकर कंबाइन एफर्ट करते रहेंगे। अगर हमारी एफर्ट का पर्पज सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी गुजारना होगा या एक खास वक्त या एक टाइम गुजारना है तो कभी भी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं हो सकती। प्रोग्रेस तब मुमकिन है जब हम फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर की डिमांड्स को देखते हुए अपने आप को आज ही उस लेवल पर जाके वर्किंग करें, अपने आप को मेंटली फिजिकली हमेशा रेडी रखें, क्योंकि बड़े काम जब भी करने हैं मसले तब बड़े आने ही आने हैं। अगर आपने बड़ा काम, अगर चाहते हैं मसले कोई आए ना, कोई प्रॉब्लम ना आए आपके जहन पर, कोई खींचना पड़े तो भाई फिर आप कुछ भी ना करो, फिर आप बड़े रिलैक्स हो। जब आप बहुत कुछ कर रहे होगे, बड़ा काम कर रहे होगे, बड़ी चीजें कर रहे होगे, इट मींस बड़े प्रॉब्लम्स भी आने हैं, बड़े मामला भी होने हैं, बड़ी चीजें होनी है। उसको मैनेज करने के लिए, उस वक्त को मैनेज करने के लिए ये ऑफिस, ये मैनेजमेंट, ये सब चीजें आपका साथ देती हैं। तो जब तक आप लोग इसका साथ देते रहोगे, इसे बनाने के लिए ये सब चीजें आपका साथ देती रहेंगी, उन मामला को, उन चीजों को मैनेज करने के लिए। भाई इसी चीज के साथ इंशाल्लाह ताला इस वीक के अंदर आपको एक दो गुड न्यूज इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगी मेरी तरफ से सब लोगों को। सामने